बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा सातवीं की छत्तीसगढ़ भारती की विषय हिंदी के शीर्षक वर्षा बहार जो कि पाठ 17 है उसकी कविता को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये कविता क्या है। वर्षा बहार जो कविता है वो श्री मुकुटधर पांडे जी ने लिखी है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण पूरी प्रकृति परिवेश में जिस तरह मोहक और आकर्षक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो कवि जो महसूस करते हैं उसको उन्होंने सरल लय भाव में कविता में व्यक्त किया है। कवि की दृष्टि से मेघमय आसमान से लेकर हवा पानी बादल बिजली जलचर सौरभ सुगीत हंस किसान सभी पर इस प्रति चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है। क्या गा उठता है कि इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर सारे जगत की शोभा है निर्भर इसके ऊपर। चलिए हम कविता का वाचन शुरुआत करते हैं और कविता वाचन के लिए सबसे पहले हम इसकी लाइनें अध्ययन करके देखते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं पानी बरस रहा है झरने भी बह रहे हैं। ये थी कविता। अब हम देखते हैं इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं इसको भी हम एक बार पहले देख लेते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बहार। बहार का मतलब होता है सुहानापन। और दूसरा शब्द है इसमें लुभाना। क्या आप लोग लुभाना का अर्थ जानते हैं? मुझे लगता है कि शायद आपको मालूम है। चलिए आप में से कोई बताएगा क्या? हाँ देखो इसने जवाब दिया। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा सुनीता। सुनीता ने मुझे बताया कि लुभाना का मतलब होता है ललचाना। तो अगला शब्द है हमारे पास नभ। कोई नभ का बताएगा क्या कि नभ का पर्यायवाची क्या होता है या नभ का समानार्थी शब्द क्या होता है? हाँ देखो बच्चे हाथ उठा रहे हैं। चलो मैं बताती हूँ। नभ का अर्थ होता है आकाश। अब अगला शब्द है अनूठी। अनूठी का मतलब होता है अद्भुत। बच्चों अभी जो हमने कविता पद्य की जो लाइनें पढ़ी अब हम देखते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उसके जो पद्य हैं वो हमारी पाठ्यपुस्तक वर्षा बहार नामक पाठ से ली गई हैं और इसके कवि श्री मुकुटधर पांडे जी हैं। अब हम इस बात करते हैं ये जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी उसके प्रसंग की। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु का जो वर्षा ऋतु होती है उस समय जो बहार आती है उस समय जो सुहावनापन होता है वो सबके मन को लुभाता है और आसमान में घने बादलों की शोभा एकदम अद्भुत लग रही होती है। रह रहकर कुछ कुछ समय में बिजली चमक रही होती है और बादलों की गर्जना के साथ पानी बरस रहा होता है। वर्षा के पानी से लबालब यानि भरे हुए झरने बह रहे होते हैं। चलती है हवा ठंडी हिलती है डालियां सब बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब तालों में जीव जलचर है अति प्रसन्न होते फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। चलिए हम इस पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं पहले उनके अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द है इसमें जलचर। जलचर का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव जंतु। फिर दूसरा शब्द है इसमें फिरना। तो फिरने का आशय होता है चक्कर लगाना। और तीसरा कठिन शब्द है इसमें ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब ताप गर्मी ऊष्मा। आओ बच्चों हमने जो भी कविता के जो लाइनें देखी उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो सुहानी वर्षा ऋतु के आगमन से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है पेड़ों की डालियाँ हिलने डुलने और झूमती हुई प्रतीत होती है। इस सुहाने मौसम में गर्मी से राहत मिलती है।
और मालिनी बागों में वर्षा गीत गा रही होती हैं। जलाशयों में जल के जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। इधर उधर फिरते लाखों पपीहे भीगते हुए गर्मी के ताप से अपने आप को दूर भगाते हैं, अर्थात उनके अंदर जो गर्मी उनको महसूस होती है उससे वो राहत महसूस करते हैं। नृत्य करते मयूर वन में देखो यह मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत गीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अभी जो हमने लाइनें देखी, अब इसमें जो कठिन शब्द हैं हम उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं सुगीत। सुगीत का मतलब होता है सुंदर गीत। फिर है सौरभ। सौरभ का मतलब होता है सुगंध। और फिर आमोद। आमोद का मतलब होता है आनंद, मजा, खुशी। चलिए अब जो हमने लाइनें देखी उसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या में वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु होती है ना, उसमें वनों में मोर जो है वो नृत्य करते हैं और मेंढक टर 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 की बोली करते हुए सुंदर गीत गाकर वर्षा रानी का स्वागत करते हैं। वर्षा रानी के आगमन से गुलाब खिल उठते हैं और उनकी खुशबू सब जगह बागों में फैलती है और सुखद आनंद सब जगह छा जाता है। चलते कतार बांधे देखो यह हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इसी भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अब ये जो लाइनें हमने देखी, अब इस पर हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं कि इन लाइनों में कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो कठिन शब्द में सबसे पहला शब्द है इसमें मनहर, यानि मन को, हमारे मन को आकर्षित करने वाला। फिर है निर्भर। निर्भर मतलब आधारित। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में कतारबद्ध जो हंस होते हैं, आपने देखा होगा हंसों को पानी में तैरते हुए, वो कतारबद्ध यानी एक लाइन से चल रहे होते हैं, जो बहुत ही शोभायमान होते हैं। और किसान जो खेतों में काम करते करते गीत गाते हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं ये हमारे मन को या लोगों के मन को हर लेती हैं। इसी तरह सभी के मन को भाने वाली अद्भुत सुहानी वर्षा ऋतु धरती पर है और सारे संसार की शोभा इस ऋतु पर निर्भर करती है। चलिए अब देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, वर्षा ऋतु में हवा और बादल का दृश्य कैसा है? तो इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में हवा और बादल, यानी वर्षा ऋतु में आसमान में काले घने बादल से जो आसमान है वो आच्छादित हो जाता है, भर जाता है, और ठंडी हवा चल रही होती है। वृक्षों पर हिलती डुलती डालियां झूमती हुई प्रतीत होती है, मानो खुशी से झूम रही हो। वर्षा के आगमन से सभी को गर्मी से राहत मिल गई हो। फिर दूसरा प्रश्न है, जीव जलचर पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु के आगमन से समस्त जीव और जितने भी जलचर होते हैं वो तेज ताप से, गर्मी के ताप से मुक्त हो उठते हैं, और ठंडी हवाएं, घने बादल, वर्षा की फुहारें, ये सब सभी के मन को मोह लेती हैं। चलिए बच्चों, कुछ हम इसमें विलोम शब्द हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो कुछ विलोम शब्द भी जानते हैं। तो जैसे इसमें पहला विलोम शब्द है ठंडी। ठंडी, ठंडी का मतलब क्या होता है, या आप उसका उल्टा क्या देखेंगे, गर्मी। अभी गर्मी आने वाली है, आप देखेंगे ठंड की ऋतु जा रही है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो ठंडी ऋतु में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। तो ठंडी का विलोम क्या होगा, गर्मी। वैसे ही सुख का दुख, सुंदर का कुरूप और प्रसन्न का खिन्न।
ये थे कुछ विलोम शब्द। अब बारी गृह कार्य की। आप सभी गृह कार्य करते हैं? अगर करते हैं, यदि नहीं भी करते हैं तो जरूर से फिर से अपनी कॉपी में इन गृह कार्य को, इन प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। चलिए मैं प्रश्न बना रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। फिर से गृह कार्य का पहला प्रश्न, वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। ठीक है, सबने नोट किया बच्चों? दूसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी लिखना, मैं दूसरा प्रश्न कह रही हूँ। सौरभ के उड़ने से क्या हो रहा है। आप सभी लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। मैं फिर से दूसरा प्रश्न बोल रही हूँ कि सौरभ के उड़ने से क्या हो रहा है। तो ये था गृह कार्य। चलिए आप सभी फटाफट आज अपना गृह कार्य कंप्लीट करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।